प्रिय किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मई माह के प्रमुख कृषि कार्य के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीष्म मौसम की खड़ी फसलों जैसे मक्का, सूर्यमुखी, तिल, मूंग इत्यादि में आवश्यक निकाई गुड़ाई करना चाहिए तथा सिंचाई कर नमी बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ आवश्यक यूरिया खाद का उपरिवेशन करना चाहिए। इन फसलों में पौधा संरक्षण उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रिय किसान भाइयों, हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही अपना सुझाव जरूर कमेंट करें। माह के प्रथम सप्ताह में सोनापाट कैप्सुलेरिस जूट की बुआई एवं सादापाट जूट के पौधे की छटनी कर लेना चाहिए। माह के अंत में वसंतकालीन मक्का एवं सूर्यमुखी की कटाई कर लेनी चाहिए। उनके दानों को छुड़ाकर एवं सुखाकर भंडारित कर देना चाहिए। खरीफ धान के बीज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पौधशाला की तैयारी कर लेनी चाहिए। 20 मई के बाद अगहनी धान की लंबी अवधि वाले प्रभेदों के बीज को बीजस्थली में बिचड़े तैयार करने के लिए बुआई कर देनी चाहिए। बीज बोने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लेना चाहिए। खरीफ मक्का तथा धान के खेतों में जैविक खाद देकर खेत की तैयारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। धान के खेत में हरी खाद के लिए ढैंचा की बुआई माह के शुरुआत होते ही कर देनी चाहिए। माह के अंत तक खड़ी बरसीम फसल के खेतों में सिंचाई कर बरसीम की कटाई कर लेनी चाहिए। पिछले माह में बोई गई बीज एवं चारा हेतु लगाए गए उड़द में सिंचाई करते रहना चाहिए। गन्ने में आवश्यकता अनुसार सिंचाई गुड़ाई एवं प्ररोह छेदक की रोकथाम करते रहना चाहिए। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहना चाहिए। जून में बीज बोने हेतु बरसाती प्याज के लिए बीजस्थली की तैयारी करनी चाहिए। खाली खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से ग्रीष्मकालीन जुताई कर खुला छोड़ देना चाहिए। कंपोस्ट के गड्ढों में नमी हेतु पानी देकर गड्ढे को मिट्टी से ढक देना चाहिए। हल्दी, सूरन यावोल तथा अदरक की बुआई प्रथम वर्षा के बाद प्रारंभ कर देना चाहिए। चारे के लिए बोई गई चरी एवं बहुवर्षीय घासों की कटाई कर देनी चाहिए। वानिकी पौधशाला में सागवान के बीज की बुआई करनी चाहिए। अंतिम सप्ताह में गम्हार एवं महुआ के उपलब्ध नए बीज की बुआई कर देनी चाहिए। प्रथम पखवाड़े में शीशम के पौधे थैलियों में लगाना चाहिए। चिचड़ियों एवं पेट के कीड़ों से पशुओं के बचाव का उचित प्रबंधन करना चाहिए। 4 से 8 माह की पाड़ी एवं बाछी में ब्रेसेलोसिस रोग संक्रामक गर्भपात के टीके नज़दीकी मवेशी अस्पताल में पशु चिकित्सक से मिलकर अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करा लें। किसान बंधुओं इस पर विशेष ध्यान देंगे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम एवं वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।